आदाब नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फायका जावेद और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सब लोगों से वादा किया था कि ग्राउंड रियलिटी पे आपको लोग दिखाऊंगी कि कश्मीर में कैसे सेलिब्रेशंस होती है, कैसे कश्मीर का जो है ग्राउंड सिचुएशन है। और आज जो है आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद 10वां दिन यानी कि दशहरा सेलिब्रेशंस की जाती है, जहाँ पे रावण को जो है उसका अंत करके उसे जला दिया जाता है। और आज इस टाइम पे मैं कश्मीर में ही मौजूद हूँ। जी हाँ, कुछ लोगों को लगता था कि कश्मीर में जो है अभी बहुत ज्यादा हालात खराब है, लोग जो है अच्छे तरीके से सेलिब्रेशंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हमें भारी संख्या में यहाँ पे लोग दिखाई देखने को मिले। जैसे कि आप मेरे पीछे लाइव विजुअल्स में देख सकते हैं कि कितने लोग जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं सेलिब्रेशंस के लिए। चूंकि मैं थोड़ा लेट यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे तब तक जो है रावण को जो है जला दिया गया था और यहाँ पे सेलिब्रेशंस तब जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पे थे। और अभी जो है हम कुछ लोगों से वहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे उनकी राय दही जानेंगे कि आखिर जो है आज उनके दशहरा के इस त्यौहार में आज उनको क्या डिफरेंस लगी और पिछले साल में उनको क्या डिफरेंस। त्यौहार है दशहरा, ये सारे विश्व में और सारे दुनिया को और सारे जम्मू कश्मीर को, सारे देश को पैगाम देता है कि आज के दिन से अमन सारे दुनिया में हो, विश्व में हो, जम्मू कश्मीर में हो, सारे लोगों के घरों में अमन का पैगाम यहाँ से जाता है। ये बदी पर नेकी की फतह होती है और ये रोशनी का त्यौहार भी मनाया जाता है कि आज जब भगवान राम चौदह वर्ष के बाद वापस अपने घर अयोध्या में आया था, तब लोगों ने उसको स्वागत किया था रोशनी जला के। और जब उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया था तो रावण उसमें मारा गया था और उसका त्यौहार भी आज मनाया जाता है, बदी पर नेकी की फतह। और हम चाहते कि आज के दिन से सारे विश्व में कामना हम करते हैं कि अमन का पैगाम जाए। और जो हम आज फील कर रहे हैं, आज श्रीनगर में जो दशहरा मनाया जा रहा है, इसमें कश्मीरी पंडित काफ़ी तादाद में लोग थे, बाकी जो हमारे हिंदू भाई थे वो भी काफ़ी थे, और इसके साथ साथ जो यहाँ के लोकल मुसलमान भाई थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, सपोर्ट किया ये त्यौहार मनाने में। इसके साथ साथ जो पिछले 5-6 सालों से जो त्यौहार हमारे हिंदू के त्यौहार होते हैं, हम आराम से कश्मीर में भी मनाते हैं। लोग जम्मू से आते हैं, कुछ लोग यहाँ से आते हैं, कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग आते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से एक अच्छा पैगाम जाए सारे दुनिया में, सारे देश में, सारे जम्मू कश्मीर में, एक अमन का लहर चलेगा, एक अमन की गामजन पर जम्मू कश्मीर की पटरी चलेगी। इंतजाम तो ठीक है, लेकिन जितने भी अच्छे होने चाहिए इतने हमें नहीं लगे। सिक्योरिटी था, मीडिया वाले थे, अच्छा था, लेकिन उनको पानी का व्यवस्था नहीं था या बाकी जो बैठने की व्यवस्था बहुत कम थी। गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा टाइम निकालना था, ये एक अच्छा बड़ा जैसा बहुत प्रोग्राम होता है तो गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना था, लेकिन इतना हमें एज ए कश्मीरी पंडित, एज ए लीडर, एज एन एक्टिविस्ट। जो नाम जानेंगे, मेरा नाम अवनी भट्ट है। कहाँ से आया? मैं इंदिरा नगर से आई हूँ। ओके, तो क्या लगा आज के कश्मीर में जो आज दशहरा आपने सेलिब्रेट किया, कैसा मजा आया? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया, यहाँ मेरे को अपनी फ्रेंड्स भी मिले बहुत सारे, हमें बहुत मज़ा आया। और इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि जैसे बुराई पे कैसे सच्चाई की जीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे नाम जानेंगे, आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार भट्ट है जी। आपसे जानेंगे, आज कश्मीर में बहुत ही भारी संख्या में लोग दिखाई देखने को मिले, अगर दशहरा के हवाले से बात करें तो क्या कहना चाहोगे, क्या फीलिंग है इस टाइम? इस टाइम एक्चुअली ये जो हम कश्मीर में, वैसे तो फीलिंग अच्छी रहती है हर जगह जब हम मना, मतलब इस बार हम पहली बार इधर श्रीनगर में मना रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे खुश हैं, ये मेरी बेटी है ये खुश है, इसको पता चला हमारे फेस्टिवल कैसे मनाए जाते हैं ना, तो हमें यही फेस्टिवल मनाने के लिए कहीं जम्मू जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, तो बार बार हमारे लिए मूव करना एक फेस्टिवल के लिए या है? आज आपको यहाँ पे एक पीसफुल फीलिंग महसूस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज रहेगी ये आने वाले टाइम में भी और अच्छा रहे, क्योंकि एक लोगों के बीच में जो डर है वो ना रहे, है अच्छी तरह जो प्यार मिलता रहे लोगों का। और नेचुरली ये जो फेस्टिवल है ये अच्छाई की जीत बुराई पर है, तो नेचुरली हर जगह दुनिया में हर जगह यही मैसेज आने चाहिए कि हर जगह अच्छाई की जीत बुराई पर होनी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में इंसान इसी के लिए जिया है और एक मॉरल वे लेके जिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बातचीत करी और क्या कुछ इनके थॉट्स थे, क्या कुछ इनकी फीलिंग थी, इन्होंने आपसे शेयर की। और लगातार कुछ
कुछ भी अपडेट जम्मू कश्मीर को लेकर के आपको दिखाते चलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे, बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। Thank you.